अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग। देती हूँ दुआ, खुश रहे, आबाद रहे, अपनों के साथ रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। कोशिश ये होती है हमारी, जैसे मैं डेली आपके साथ जब मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोग्राम को, तो कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज आपसे शेयर करती हूँ, और कोशिश ये होती है कि आप मेरे मॉर्निंग शो से कुछ ना कुछ यूनिक सीखें। ये प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी का ऑन वीनस एचडी टीवी चैनल के ऊपर जो आप देखते हैं, वो रेलेवेंट टू आपकी अवेयरनेस से होता है, टैलेंट से होता है, आपकी इंस्पिरेशन से होता है। एंड मैं ये चाहती हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से सीखें, आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें, अपने फैमिली का, अपने माँ बाप का और पूरे दुनिया में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और यही आपकी अचीवमेंट है। सोच बदलनी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। हमें कुएं का मेंढक नहीं बनना कि हम उसी के गिर बार बार फुदकते रहें और उछलते रहें, ना दूसरों के लिए कुछ सोचे, ना दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ बेहतर करें। मैं और मेरा घर, ये तो आपकी ज़िंदगी का एक फ़र्ज है कि आप अपनी फैमिली के लिए सोचें, और ये आपने करना है। आप यानी कि एक राउंड अबाउट से निकल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। एक फैमिली है, उसको लुक आफ्टर करना है, एक जॉब करता बंदा है, उसको भी लुक आफ्टर करना है। लेकिन ज़िंदगी में एक बात सोचिएगा, एक दिल की तसल्ली जो होती है ना, एक इंसान की, जहाँ पर उसको बहुत खुशी मिलती है जब वो बहुत ऐसा कुछ काम कर ले जिससे लोगों को फ़ायदा हो। कभी ऐसा ये बेलॉस हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, हमें पता है यार इसने आगे बढ़ना है, इसको डॉक्टर बनाना है, ये एक आपने अपनी ड्यूटी जैसे निभा रहे हैं, ये एक समझ गिवन टेक है। मैं तो ये समझती हूँ, एक बाप को बहुत, मेरा बेटा बड़ा होगा, जॉब करेगा, मेरे घर का खर्चा उठाएगा, उसके जहन में एक समझ लें एक गिवन टेक चल रहा है कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी ज़िंदगी आगे सहल हो जाए, एक जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है। लेकिन कभी ऐसे जो जिसमें आपको एक रूहानी खुशी हो कि यार इससे मुझे कोई भी गिवन टेक नहीं है, इससे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसके लिए जब आप करेंगे ना, फिर आप देखिएगा आपको बहुत रूहानी खुशी मिलेगी। और रूहानी खुशी ना, वो कहीं पर भी नहीं मिलती, वो सिर्फ ऐसे काम से मिलती है जब हम किसी के लिए कुछ बेहतर सोचें, बेहतर करें, और हमें उससे कुछ भी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती इसने मेरे लिए क्या करें। लेट्स सी, ये तो एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज है। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमेशा मतलब के लिए ना करें, कभी कभी बेलॉस भी क्या करें, और जिसका अजर मेरा रब ज़रूर देता है। लेट्स सी, ये एक छोटा सा मैसेज आपके लिए। और मैं जिस तरह कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, जो है वो डिफरेंट लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, और कोशिश ये होती है आपको अवेयरनेस दी जाए, नई नई बातें आपसे शेयर की जाएं, और हमारा PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, आप हमें कॉल कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ही यूनिक सेगमेंट हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत सारे जो हैं वो होते हैं, जैसे हेल्थ से रिलेवेंट आप प्रोग्राम देखते हैं, ब्यूटी से रिलेवेंट आपने देखे, और साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर आए, और यहाँ पर और बहुत सारे डिग्निटीज एंड सेलिब्रिटीज एंड गेस्ट आए। लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट, मैं जब से मॉर्निंग शो कर रही हूँ ये बहुत डिफरेंट है, वो क्या है कि यार ये कौन सा है, ये मैंने सुना योगा, ऑफ कोर्स एक और होता है जो अपने ध्यान में चले जाते हैं, लेकिन ये और एक मैंने सुना है हैप्नेटाइज, ये एक अलग अलग सब चीज़ें हैं। लेकिन एक होता है कि वो कुछ लोग कहते हैं वो हमजाद, ऐसा भी कुछ है, लोग इसमें बहुत गहराई में चले जाते हैं। कुछ लोग मैजिशियन को मैंने बुलवाया, मैजिक मेरी आंखों के सामने, वो एक मतलब क्विकली कुछ होता है, एक टेक्निक होती है, एक ट्रिक होती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता ये रेकी क्या होती है। अब आप सोच रहे होंगे ना, ये क्या यार गुड मॉर्निंग विद सभी में ये कौन सा सेगमेंट है। यस, रेकी इज अ डिफरेंट, ये एक ऐसा सेगमेंट है, मैं आपसे शेयर करूंगी, पहले से आप रेडी हो जाएं, और आपके अगर आपको नींद में डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार, आप कभी कभी छिपकली से डल रहे हैं, कभी आप खौफजदा हैं पानी से, गहरे पानी से, कभी आप ऊंचाई से खौफजदा हैं, कभी कभी आपको एग्रेसिव होते हैं, सफ़र नहीं कर पाते, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में बेमायने से, लेकिन आप उसको बहुत अहमियत दे रहे हैं,
और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार है। इसके मौजू पे गुफ्तगू होगी, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं ग्रैंड रेकी मास्टर। लेट्स यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।